एपी दैट मीन्स एरिथमेटिक प्रोग्रेशन. वेरी सिंपल टॉपिक, ओनली फ्यू थिंग्स रिक्वायर्ड. लाइक फॉर एग्जाम्पल सीक्वेंस क्या होता है, वॉट इज द मीनिंग ऑफ सीक्वेंस पहली बात तो, वॉट इज द मीनिंग ऑफ पैटर्न्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू नंबर्स 1, 2, 3, 4, वॉट इज द सीक्वेंस, यू कैन प्रिडिक्ट वॉट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट. 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, यू कैन प्रिडिक्ट नाउ 5 आएगा, 6 आएगा, उसको हम सीक्वेंस बोलेंगे. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव 1, 4, 9, 16, 25, गेस करो आगे का नंबर क्या आएगा, इट विल बी 36, 49, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट स्क्वेयर्स, राइट. लाइक इफ आई टॉक अबाउट 7, 14, 21, 28, I know I'm talking about table of 7. So I can predict aage kya hoga. So that is the meaning of a sequence. That is the meaning of a sequence. So this is very important, bachcho. And there are few things that you should definitely know. Like for example, in any sequence, let's say ye 1 hai. This is your first term. समझो सीक्वेंस खत्म हो जाती है 25 पे, दिस इज योर लास्ट टर्म. ओके, तो फर्स्ट टर्म को अपन बोलेंगे T1, T2, T3, T4, T5, T6, एंड इफ यू डोंट नो, सो T1, T2 ये सब क्या है, टर्म्स है. T1 इज फर्स्ट टर्म, T2 इज सेकेंड टर्म, T3 इज थर्ड टर्म, T4 is fourth term. So these are the number of terms that you have. So in any sequence, you will have lot of terms. Okay? First term, second term, third term, fourth term, fifth term, sixth term, and this will continue. Okay, bachcho? But the most important thing in a sequence or in any particular case, like for example, मैं तुमको बताता हूँ, चलो इसके एक practice कर लेते हैं. अगर मैं तुमको sequence दूँ, if I give you a sequence, or if I give you randomly any numbers, let's say. -2, -6, -10, -16, -14, let's say. And if I ask you questions, T1 kya hai? To -2 bologe. T2 kya hai? -6. T3 kya hai? -10. T4 kya hai? -14. So these are the terms that you have. So you should know. And the first term ko hum log AB bolte hai. We call it A also. Now this is simple. T1, first term, T2, second term, T3. Wo dikhta hai. But there is one thing that is most important over here. Most important. And let me explain it in a very proper way. In a very, very proper way. Bachcho, remember one thing always. Like for example, if I have 2. Or if I have 4, 6, 8, 10. ये सीक्वेंस है मेरे पास. दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ये सब ठीक है. दैट इज नॉट एन इश्यू. बट द पॉइंट ओवर हियर इज हाउ कैन यू प्रिडिक्ट द नेक्स्ट टर्म. ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है. बच्चों, वेरी सिंपल, 2 में से क्या ऐड किया, 2 ऐड किया तो 4 बना, फिर 4 में क्या ऐड किया तो 6 बना. ओके, तो 6 में क्या ऐड किया तो 8 बना. तो व्हाट इज कॉमन, 2, राइट, 2. सो बच्चों, लेट मी राइट आउट द फिक्स्ड, द फिक्स्ड number or the fixed number which is remaining constant, which is constant in a sequence. A fixed number which is remaining constant, usko hum pyar se bolte hai bachcho,
कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है? बिटवीन दिस टू पर्टिकुलर नंबर समथिंग इज कॉमन, समथिंग विच कनेक्ट्स देम, समथिंग विच मेक्स देम। इसको मैंने प्लस टू ऐड किया तभी मुझे ये मिला, इसे मैंने प्लस टू ऐड किया तभी मुझे ये मिला, इसे मैंने प्लस टू ऐड किया मुझे ये मिला। सो दिस इज अ कॉमन डिफरेंस। इसका सिंबल है स्मॉल डी। और एक नंबर एपी, बच्चों एपी का टॉपिक है ना, तो एक नंबर एपी तभी होगा बच्चों जब उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, दो टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है। ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, ये T5 है, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस। T2 माइनस T1 2 आता है, T3 माइनस T2 2 आता है, T4 माइनस T3 2 आता है। तो दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए तभी वो एपी कहलाएगा, और एल्स नहीं। ओके बच्चों, सो लेट मी एक्सप्लेन यू ऑल इन अ वेरी सिंपल वे बाय टेकिंग एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल वी हैव एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट लोगों ने पूछा है आपको कि भाई इनमें से कौन सी सीक्वेंस एपी है, ठीक है पहचानो। अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस भी निकालो, दोनों काम करने बोला है। तो यू हैव 2, 4, 6, 8। तो पहले तो सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है बच्चों, मैं तुमको हमेशा से बोला है मैथ्स में सिस्टमेटिक तरीके से नहीं लिखोगे तो मार्क्स एक्सपेक्ट नहीं करने का। सो हियर सॉल्यूशन पार्ट, हियर T1 इज इक्वल टू 2, T2 इक्वल टू 4, T2 मामा नहीं है, T2 टर्म है बाबा, T3 6 एंड T4 इज 8। AP पता करना है तो दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस देखो, इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का। तो बताओ बच्चों किसका किसका लोगे? T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2 विच इज 2। T3 माइनस T2 6 माइनस 4 विच इज 2। T4 माइनस T3 8 माइनस 6 विच इज 2। तो कैन आई सी एंड व्हाट इज दिस पर्टिकुलर थिंग्स कॉल्ड एज, और व्हाट व्हेन व्हाट कैन वी से डिफरेंस बिटवीन difference between any two consecutive मतलब एक के बाद एक। अब तुम ऐसा नहीं बोल सकते भैया 8 माइनस 2 का डिफरेंस 6 माइनस, कुछ भी नहीं ले सकते तुम्हारे हिसाब से। consecutive टर्म्स का डिफरेंस सेम होना चाहिए, consecutive मतलब एक के बाद एक, 2 के बाद 4, तो वो वाला consecutive टर्म्स। difference between consecutive टर्म्स is constant, therefore this is an AP, therefore the given sequence forms AP। But question सिर्फ इतना ही नहीं है बच्चों, question है कि common difference क्या है। common difference मतलब constant term आ रहा है तुम लोगों को, and common difference उसका symbol होता है D is क्वेश्चन। सीक्वेंस लिखा है, पहले टर्म्स लिख दो, 2 5 बाई 2 3 7 अपॉन 2, T2 माइनस T1 5 बाई 2 माइनस 2। दिमाग लगाओ कैसे करोगे इसको, इसको इधर लेके जाओ मल्टीप्लाई कर लो, -4 अपॉन 2 इंटू 1 2, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2। ओके बेटा फिर ये ला कर लो, 3 माइनस 5 बाई 2, T3 माइनस T2, 2 को तो लेके जाओ, 6 माइनस 5 अपॉन 2 विच इज 1 अपॉन 2। ओके बेटा उसके बाद इतना क्लियर है ना, उसके बाद T4 माइनस T3 तो 7 बाई 2 माइनस 3, तो 7 माइनस 6 अपॉन 2 विच इज 1 अपॉन 2। डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इज कॉन्स्टेंट,
Therefore, this sequence forms an AP and the common difference is 1 upon 2. T1 kya hai? Minus 10 hai. T2 hai minus 6. Minus 2. N2. कुछ नहीं है, T2 minus T1 कर दो, प्रैक्टिस लगा लो बच्चों, प्रैक्टिस लगा लो। हाँ साक्षी राइट है बेटा, T2 minus T1 minus 6 minus और minus 10 minus 6 minus minus plus 4 T3 minus T2 minus 2 minus और minus 6 तो minus 2 minus minus plus तो 4 होता है। T4 minus T3 2 minus और minus 2 तो ये 4 हो जाएगा अगेन। सो यहाँ पर बच्चों कॉमन डिफरेंस तुम्हारा 4 है और ये एपी है, जैसे स्टेटमेंट पहले बताया वैसे लिखना है तुम लोगों को। क्या है पॉइंट थ्री, T2 क्या है पॉइंट थ्री थ्री, T3 पॉइंट थ्री थ्री थ्री। तो बच्चों ये तुम्हारा सीक्वेंस देके रखा है इन्होंने, मैंने बहुत गंदी तरह से लिखा है, छी 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 छी, इतनी गंदी तरह से मेरे को अच्छा नहीं लगेगा लिखना, मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इसको गंदा नहीं कर सकते अपन। पॉइंट थ्री थ्री, T3 इज पॉइंट थ्री थ्री थ्री, करना कुछ नहीं है बच्चों, डिफरेंस लेना है बस। T2 minus T1, 0.33 minus 0.3. T3 minus T2, 0.333 minus 0.33. ऐसे क्वेश्चन को लाइटली मत लो, इसमें रॉन्ग होना बहुत ईजी है बच्चों। 0.33 minus 0.3. तो 30, तो 0.03 आ रहा है मेरे को तो इसमें। अब इसका देखते हैं, लाइटली मत लेना बेटा ऐसे क्वेश्चन को, ये पॉइंट वाले अपने को लगता है नहीं नहीं बचकाने हैं, गड़बड़ होती है याद रखना। 0.333 माइनस 0.33 0.003 आ रहा है मेरे को, 0.003 आ रहा है, और T4 तो है ही नहीं इधर। तो बच्चों देख लो ध्यान से एकदम, लफड़ा लफड़ा है यहाँ पर, यहाँ पर क्या है तुम्हारा T3 माइनस T2 इज नॉट इक्वल टू T2 माइनस T1, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज नॉट कॉन्स्टेंट। बच्चों यहां पर जो है कॉन्स्टेंट नहीं है, देयरफॉर दिस इज नॉट एन एपी, अगर एपी नहीं होगा तो कॉमन डिफरेंस भी नहीं होगा। द सीक्वेंस, द गिवन सीक्वेंस डज नॉट फॉर्म एपी, डज नॉट फॉर्म एपी, कॉमन डिफरेंस की तो बात ही भूल जाओ, डज नॉट फॉर्म एपी। जब एपी नहीं बनेगा तो कॉमन डिफरेंस की बात करनी ही नहीं बच्चों, बिल्कुल नहीं करनी, एपी है ही नहीं, सीक्वेंस है ही नहीं, ठीक है। तो वाला क्वेश्चन बच्चों सबको आ गया, कॉमन डिफरेंस माइनस 4 है वहां पर, वेरी इजी कर लो। अब देखो सिक्स वाला क्वेश्चन, माइनस 1/5 माइनस 1/5, इसको हम बोलते कांस्टेंट सीरीज, कांस्टेंट सीक्वेंस, माइनस 1/5 माइनस 1/5 माइनस 1/5। T1 क्या है माइनस 1/5, T2 क्या है माइनस 1/5, T3 क्या है माइनस 1/5। हाउ टू फाइंड एपी, T2 माइनस T1 तो माइनस 1/5 माइनस ऑफ दिस माइनस 1/5, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, देखो माइनस 1/5 प्लस 1/5 जीरो, माइनस 1/5 प्लस 1 माइनस 1 जीरो होता है ना। फिर T3 माइनस T2 क्या होगा माइनस 1/5 माइनस ऑफ माइनस 1/5, बच्चे भूल जाते हैं, बच्चे एक ही माइनस लिखते हैं ये भूल ही जाते हैं। बच्चा देखो माइनस है तो डालना पड़ेगा, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो माइनस 1/5 प्लस 1/5 जीरो, तो सबका कॉमन डिफरेंस क्या था जीरो आ रहा है तुम्हारा। तो लिखो दिस शोज दैट द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, देयरफॉर द सीक्वेंस फॉर्म्स एन एपी एंड द कॉमन डिफरेंस इज जीरो। जो मैंने स्टेप तुमको पहले बताए थे वही फॉलो करना है तुमको, ओके बच्चों। फिर सिक्स वाला हो गया, सेवेंथ वाला क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सेवेंथ वाले क्वेश्चन में क्या देख रखा है, सेवेंथ वाले क्वेश्चन में दिया है थ्री प्लस रूट टू, थ्री प्लस टू रूट टू, थ्री प्लस थ्री रूट टू। तुमको सीक्वेंस लिखना है पहले, T1 3 है, थ्री प्लस रूट टू, थ्री प्लस टू रूट टू, एंड T4 क्या है थ्री प्लस थ्री रूट टू। डरना नहीं है रूट देखकर, रूट देख के डरना नहीं है, बस पुट कर दो, पुट द वैल्यूज। T2 माइनस T1 क्या होगा, जस्ट पुट द वैल्यूज, डोंट नीड टू वरी एट ऑल कि क्या है रूट में आ गया, अब तो मेरे से नहीं होने वाला है क्वेश्चन, जीरो मिलेगा, अरे डरने का ही नहीं, एकदम इजी है। T2 क्या है थ्री प्लस टू रूट टू, माइनस थ्री, प्लस थ्री माइनस थ्री गया तो टू रूट टू,
समझा? अब टी थ्री माइनस टी टू कर दो, टी थ्री क्या है, 3 + √2। वेट, कुछ गड़बड़ की क्या मैंने? हाँ बेटे, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, रुको, ऐसा नहीं आएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो बराबर से, क्वेश्चन देखो बराबर से, 3 + √2 है, 3 + √2 है। ओके, क्वेश्चन बराबर से लिखना, 3 + √2 - 3, तो आंसर √2 आएगा। फिर टी थ्री माइनस टी टू क्या आएगा, 3 + √2 - 3 + √2। माइनस डाल दिया तो ब्रैकेट में डाल दिया, तो अगर खोलोगे तो ये 3 + √2 - 3 - √2, तो -3 + 3 गया, 2 √2 - √2 √2। बच्चों याद रखना, सेम टी फोर माइनस टी थ्री क्या आ जाएगा, गया नहीं ऊपर लिख रहा हूं, माफ करना, 3 + √2 - 3 - √2 गया, तो √2 आंसर आ जाएगा, 2 मिल गया। तो सब जगह क्या मिल रहा है, कॉमन डिफरेंस √2 मिल रहा है। तो लिखना कैसे तुम लोगों को, स्टेप बाय स्टेप, पहले जैसे मैंने बताया बच्चों, द सीक्वेंस फॉर्म्स द सीक्वेंस द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, देयरफॉर द सीक्वेंस फॉर्म्स इन एपी विद द कॉमन डिफरेंस √2, कॉमन डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डी। फिर 8th वाले क्वेश्चन में क्या बच्चों, 8th वाले क्वेश्चन में 127 132 135, वेरी सिंपल, t2 - t1, 5 इज द कॉमन डिफरेंस। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का भी फर्स्ट वाला, a = 10 एंड d = 5। a क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, एंड d क्या, कॉमन डिफरेंस है। एपी लिखना है बच्चों, सिंपल है, कभी भी अगर एपी लिखना है तो तुमको टर्म्स पता होने चाहिए, और टर्म्स पता, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म से इजीली पता चल सकते हैं बच्चों। कैसे मैं बताता हूं तुम लोगों को, डोंट वरी, लेट अस डिस्कस कैसे पता चल सकता है अपने को, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस एंड टर्म्स कैसे पता चल सकते हैं बच्चों। बच्चों ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, दैट इज 10, सिंपल, तो फर्स्ट टर्म तो तुमको मिल गया। अब सेकंड टर्म क्या होगा बच्चों, फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन डिफरेंस दोबारा 5 है, कैसे मिलेगा तुमको कॉमन डिफरेंस, मतलब क्या, आगे का वो जो टर्म होगा और ये वाला टर्म, उनमें में डिफरेंस 5 का होगा, तो 15 होगा, 20 होगा, इस तरह से होगा ना बच्चों, प्रिडिक्ट कर सकते हो ना तुम लोग। तो टी टू क्या हो जाएगा, t1 + d, तो 10 + 5 = 15। t3 क्या होगा, t2 + d, देखो ना, t1 t2 t3, अगर ये टर्म चाहिए तो ये पीछे वाले को प्लस 5 कर दो, कॉमन डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा 15 + 5 = 20। t4 क्या हो जाएगा, t3 + d, 20 + 5। भैया कितने टर्म से जाना है अपने को, तुम्हारे हिसाब से 3-4 के हिसाब से चले जाओ, 4 तक चले जाओ मेरे हिसाब से, तो ऐसे तो 3 भी इनफ है, बट 4 के तक चले जाओ। देयरफॉर द एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, द एपी इज, पूरा लिखना तुम लोग, 10 15 20 25 एंड सो ऑन, दैट डॉट डॉट करना, क्योंकि आगे चलता जाता है, रुकता नहीं है एपी, डॉट डॉट करते जाना। ए तुम्हारा -3 है, t1 + d, तो -3 + 0, तो -3, t2 + d, t2 क्या है, -3 + 0 = -3, सो इट डजंट मेक एनी सेंस, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट वाला देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, ए है -7 और डी है हाफ, कुछ नहीं है इसमें भी, बहुत इजी है, ट्राई करो। ए तुम्हारा -7 है, डी तुम्हारा -0.5 है, ए तुम्हारा फर्स्ट टर्म होता है तो -7, टी टू क्या होगा, t1 + d, t1 क्या, -7 प्लस डी प्लस हाफ, कुछ नहीं है, सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -7 × 2 + 1/2, तो क्या हो जाएगा ये, -14 + 1/2, -13/2, ठीक है, कुछ नहीं है बच्चों, थोड़ा बेसिक सॉल्विंग है, ये 1 = 6.5, तो -6.5। अब t2 क्या होगा, -6.5 + d, कितना है, हाफ है, हाफ मतलब बेसिक समझो, आधा, 0.5,
हाफ क्या होता है, 0.5 होता है ना, तो इसको -6.5 +0.5 लिखो, क्या ही जाएगा तुम्हारा उसमें, प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगी तो -6, कितना सिंपल है बच्चों। फिर -6 +0.5 मतलब प्लस हाफ होगा ना, तो -6 +0.5 तो -5.5, तो क्या सीक्वेंस आ गया तुम्हारे पास बच्चों, बहुत इजी है। -7 -6.5 -6 -5.5, ये सब क्या बताऊं मैं तुमको, होगा फर्स्ट टर्म -1.25, सेकेंड टर्म क्या होगा t1 प्लस d, तो -1.25 +3, सॉल्व करना है और कुछ नहीं है। देखो ना यार, प्लस माइनस तो 1.75 हो जाएगा, 1.75 प्लस कॉमन डिफरेंस 3, 4.75, 4.75 +3 तो 7.75। देखो द एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज -1.25, 1.75, 4.75 एंड 7. क्वेश्चन नंबर वन से जैसा ही, क्वेश्चन नंबर थ्री भी, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं। मैं हार्ड क्वेश्चन ले लेता हूँ, सो कॉल्ड हार्ड क्वेश्चन। 1/4, 3/4, 5/4, 7/4, करना क्या है, करना कुछ नहीं है। बोला है कि एपी है मान के चलो, पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालो। पहला टर्म क्या होगा बच्चों, वन अपॉन फोर, और बोल रहे कि एपी है। टी वन क्या होगा, 1/4, टी टू क्या होगा, 3/4, टी थ्री क्या होगा, 5/4, टी फोर क्या होगा, 7/4, ये एपी है बेटा, ये लोग बोल के रख रहे हैं लोग अपने को। तो फॉर एन एपी कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कोई भी दो टर्म लो, 3/4 -1/4, डिनोमिनेटर सेम है तो 3 - 1 कितना होगा, 2/4, तो दिस 1/2, 1 जा 2 जा, ओके। तो क्या मिला तुम लोगों को, फर्स्ट टर्म क्या मिला, 1/4, एंड कॉमन डिफरेंस क्या मिला, 1/2। इस तरह से तुम लोगों को लिखना है।